फंडा एट में विस्कस फोर्स देख लेते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको, तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर लोगे आप। एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी आर या डी एच लिखा होता है, ठीक है, ये फोर्स आपको पता है। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और डी वी बाई डी आर क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, आप इसको समझना। एक मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया, इसमें सारे कॉन्सेप्ट में दिखाता हूं आपको, ठीक है। सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड दिस इज कनेक्टेड विद एन अनदर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ दिस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। देयर इज अ थिक लिक्विड सरफेस बिटवीन द टेबल एंड दिस ब्लॉक एंड द थिकनेस ऑफ दिस लिक्विड इज t, ठीक है। अब जो एरिया है यहां पे वो a गिवन है, एरिया ऑफ द ब्लॉक विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द लेयर ऑफ लिक्विड इज a, ठीक है। और अब इसमें कह रहे हैं कि दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, मतलब यहां पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है और इसमें एक अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, फाइंड ईटा, मतलब फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर गिवन लिक्विड, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन में आपको पता है ये टेंशन t हो जाएगा और ये mg, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, बिकॉज द वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो t को क्या लिख देंगे आप, mg। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस वन इज कनेक्टेड विद द सेम ब्लॉक, तो ये भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो मूव विद सेम वेलोसिटी, इनफैक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी लिख सकते। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और यहां पे टेंशन t है, तो डेफिनेटली ये टेंशन यहां पे भी होगा क्योंकि ये पुली मासलेस है, ठीक है, ये पुली क्या है, मासलेस पुली है, लिख सकते हैं ना। तो कोई एक तो फोर्स है जो इस t को बैलेंस कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है, दैट इज द विस्कस फोर्स, वही मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो विस्कस फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, इनफैक्ट आप इसको ऐसा कह सकते हो कि विस्कस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अब इसमें की पॉइंट क्या है, जहां से आपको कहते हैं ना वो क्लिक कर जाएगा, आप वहां से सॉल्व करना शुरू कर लोगे, वो पॉइंट ये है कि भाई लिक्विड का कोई भी लेयर जो सॉलिड के कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है, उस दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। मतलब आप चाहे तो आप बाद में नोट कर लीजिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सर्फेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम सॉलिड सर्फेस विल बी जीरो, मतलब जिस सॉलिड सरफेस के साथ जो भी लेयर लिक्विड का होगा वो उसके साथ रह जाएगा। अगर सॉलिड रेस्ट पे है तो उसको भी रेस्ट पे होना है, अगर वो मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी मूव करेगा। तो यहां पे मैं इनफाइनाइट लेयर्स हो सकते हैं बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, लेकिन मैं सिर्फ दो लेयर की बात करता हूं, एक जो ब्लॉक के इमीडिएट कॉन्टैक्ट में एंड सेकेंड वन जो इस टेबल के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और यहां से मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, जहां भी आपने बुक में पढ़ा होगा कुछ ऐसे डायग्राम लिखे होंगे, ठीक है, इवन के केमिस्ट्री के बुक में भी है, आप देखना क्लास 11th की एनसीईआरटी देखिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये दो डिफरेंट लेयर्स हमने कंसिडर किया है एंड द जो थिकनेस है, मतलब जो सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेयर्स जो है, सपोज दैट लेयर इज दैट सेपरेशन इज h, ठीक है, तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी है और इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, तो यहां पे जो वेलोसिटी का डिफरेंस है दैट इज डेल v, ये जो फॉर्मूले पे लिख रहे हो आप, ठीक है, और अपॉन जो r की डी आर लिखते तो वो ये वाला h है, अगर यूनिफॉर्म चेंज की बात करें, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा और इसको एनालिटिकल लेवल पे समझे तो होता क्या है एक्चुअली कि भाई एक लेयर है, जैसे लिक्विड रख दिया हमने, ठीक है, उसके ऊपर एक ए फोर साइज का पेपर रख दो और उसको खींचना शुरू करो, तो ए फोर साइज का पेपर रखेंगे उसको खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे उसको खींचना शुरू करेंगे तो टॉप मोस्ट लेयर आपके साथ चलना शुरू कर लेगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट टू दैट लेयर जो होगा, ये कहना मतलब मुश्किल है कि उसके बाद कौन सा लेयर, बट ऐसा अज्यूम करिए उसके बाद जो तुरंत जो दूसरा लेयर होगा उन दोनों के बीच में एक विस्कस फोर्स आ जाएगा क्योंकि एक रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, वो क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, तो फाइनली सारे लेयर्स में मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर विस्कस फोर्स आना चाहिए। अब क्या होगा, ये मूव कर रहा है ब्लॉक जो है, यहां पर दो लेयर होंगे तो ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक के साथ वाला लेयर तो मूव करना शुरू कर गया,
बट उसके तुरंत बाद जो लेयर है वो तो स्टेशनरी था शुरू में. तो यहां पे बिटवीन ये इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं. ये वाला लेयर लिक्विड का जो कि ब्लॉक के इमीडिएट कांटेक्ट में जो उसके साथ हो गया है, और ये जस्ट बाद वाला लेयर. तो यहां पे रिलेटिव मोशन है. तो ये क्या करेगा, इस पे एक फोर्स इधर आएगा नेक्स्ट लेयर पे, और इस सरफेस पे किधर आएगा, बैकवर्ड आएगा, जो फाइनली ब्लॉक पे एक्ट करेगा. तो इसके पीछे क्या होगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा, उसको एफ लिख सकते हैं हम लोग. बस ये ट्रिक है इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो विस्कोसिटी से है. तो यहाँ पे इसमें अगर थ्योरेटिकल लेवल पे जाए तो ये जो लीनियर नहीं होता, ये जो वेलोसिटी वो कुछ ऐसा बनता है, तो वो एक अलग डिस्कशन का एक टॉपिक है, ठीक है. बट हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करनी है तो ये सफिशियंट इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अब देखो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो कितना होगा, टी शुड बी इक्वल टू दिस विस्कस फोर्स. टी कितना है, एम जी लिख सकते. तो एम जी इज इक्वल टू एफ. एफ क्या, ये विस्कस फोर्स माइनस साइन जो शो करता था वही रिलेटिव मोशन को जो अपोज कर रहा होता था. अभी तो हमें पता है किधर आएगा, ये यहां से हमने एनालाइज कर लिया इसको. तो एम जी क्या हो जाएगा, एफ. एफ का मतलब कितना, ईटा एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो ये टॉप मोस्ट वी के साथ चल रहा है और जो लोएस्ट है ये टेबल के साथ रेस्ट पे है. तो वी माइनस जीरो लिख सकते अपॉन डी, ठीक है. वी कैन इजिली फाइंड ईटा एम जी डी अपॉन ए वी, दिस इज द फाइनल आंसर, लिख सकते. और यहीं से आप स्टोक्स थ्योरम समझ सकते हैं ना. स्टोक्स थ्योरम में क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, याद आ रहा है, 6 पाई ईटा आर वी लिखते हैं. तो 6 पाई ईटा आर वी का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा दिस इज द विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी मूविंग इनसाइड द विस्कस फोर्स. तो ये जो फॉर्मूला है ये पहले समझ लेते हैं कि होगा क्यों. अगर एक बॉल है, इसको किसी वेलोसिटी से तुमने विस्कस मीडियम में मूव कराया, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में जो लेयर ऑफ द लिक्विड है वो तो इस बॉल के साथ चलना शुरू कर लेगा, और इस लेयर के बाद जो दूसरा लिक्विड का लेयर होगा वहां पे क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन शुरू हो गया. तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, जो नेक्स्ट लेयर है वो भी चलना शुरू करेगा तुम्हारे साथ. तो इसका जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट वाला जो लेयर है उस पर बैकवर्ड फोर्स आ रहा है. तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, ये विस्कस फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी होता है. तो इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है, सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है. और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, 6 पाई ईटा तक तो ठीक है, आर बी, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी. अगर लिक्विड और बॉल दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है दिस फोर्स विल बी जीरो, बिकॉज वी क्या है यहां पे, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, ठीक है. मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, लिख सकते. तो आप देखिए इस छोटे छोटे, मतलब इस पूरे सीरीज में जो है इस छोटे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है. तो इसको करते रहिए, आप कनेक्ट होइए. आप कहीं भी अगर कुछ और डाउट है, कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप बिना किसी हेजिटेशन के जरूर बताइएगा. अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, जीरो क्या होता है, इवन नंबर है, इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है. आप में से बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसको शायद. तो अगर ये कुछ कह रहे कि ये कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इंटीजर है. तो इंटीजर है तो ऑड या इवन जरूर होगा. तो ये इवन इंटीजर होता है. और एक बार देखिएगा इस चैनल पे एक वीडियो है कि जीरो इज एन इवन इंटीजर, वाई एक पूरा रीजन दिया हुआ है. तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आप देखिएगा जरूर उसको.